रियलमी के मोबाइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखने मिलती है, जैसे आप अपने मोबाइल को यहाँ पे लॉक करके रखते हैं, लॉक करने के दौरान आप अपने मोबाइल को पॉकेट में रखते हैं तो पॉकेट में काफ़ी सारे ऐसे फंक्शन होते हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉक स्क्रीन में वर्क करना चालू कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने मिलती है। जैसे आपका मोबाइल लॉक रहता है तो स्क्रीन ऑन हो जाता है, कंट्रोल पैनल ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, कंट्रोल पैनल में जो भी ऑप्शन मिलता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर इनेबल हो जाता है। उसके अलावा कीपैड यहाँ पर प्रेस होना चालू हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि कीपैड यहाँ पर प्रेस हो रहा है पॉकेट मोड में, और इमरजेंसी SOS वाला ऑप्शन है ये भी ऑन हो जाता है, कॉल लग जाता है और बीप का ऑप्शन देखने मिलता है। ये कितने बार आपको यहाँ पे इस प्रकार का इशू फेस करना पड़ा होगा, आपने देखा होगा कि ये इशू आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर पॉकेट मोड इनेबल रहेगा तो ये स्क्रीन यहाँ पे ऑन नहीं रहेगा, फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है और स्क्रीन यहाँ पे ऑन रहता है, और ऑन होने के दौरान जो भी लॉक स्क्रीन में फंक्शन मिलता है ये फंक्शन यहाँ पे वर्क करता है, फंक्शन यहाँ पे डिसेबल नहीं होता है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम देखने मिलती है। यहाँ पे आपका जो कंट्रोल पैनल है वो ऑन हो जाता है, कैमरे वाले सेक्शन में कभी कभी टैप होने के बाद कैमरा भी यहाँ पे ओपन हो जाता है, आप जैसे मोबाइल को पॉकेट से निकालते हैं तो आपने देखा होगा कैमरा ओपन मिलता है। तो चलिए इस फीचर को कैसे बंद करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है, और जैसे दोस्तों आप यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने में एक ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने में नीचे में जाना है, और नीचे में जाने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलेगा पॉकेट मिस टच प्रिवेंट वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, ये ऑप्शन ऑफ किया रहेगा तो सिंपली इसको ऑन कर लेना है। इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा तो पॉकेट में अगर आप अपने मोबाइल रखिएगा तो लॉक स्क्रीन का जो भी फंक्शन है ये वर्क नहीं करेगा। मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ कैसे वर्क करता है। जैसे आप अपने मोबाइल को लॉक करके रखते हैं, लॉक करने के दौरान अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल पैनल देखने मिल रहा है, और जैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल को यहाँ पे पॉकेट में रखिएगा तो पॉकेट में रखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक नोटिफिकेशन इस प्रकार का मिलता है। आपको यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन देखने नहीं मिलेगा, पर क्या होगा कि जो लॉक स्क्रीन में जो भी फंक्शन है वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे पॉकेट मोड वाला ऑप्शन यहाँ पे इनेबल किया हुआ है, जैसे टच होगा, उसके अलावा यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए कैमरा पे टैप करने पर कैमरा यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे डिसेबल हो जाता है, कंट्रोल पैनल यहाँ पे डिसेबल हो जाता है, इमरजेंसी SOS वाला ऑप्शन जो रहता है वो डिसेबल हो जाता है, ये टोटल फंक्शन यहाँ पर डिसेबल हो जाता है। लॉक स्क्रीन में कोई भी अगर आपके पास नोटिफिकेशन आएगा वो नोटिफिकेशन भी यहाँ पर ऑन नहीं होगा। तो इस फीचर को अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया तो इस फीचर को जरूर यूज़ करना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। लॉक स्क्रीन में आपका कोई भी फीचर यहाँ पे इनेबल नहीं होगा और आप इजी तरीके से अपने मोबाइल को पॉकेट में रख सकते हैं।